जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आप देख रहे हैं इस समय आर्टेमिस के अंदर हम आपको लेकर के आए हैं, जहां पर कैंसर फ्री फ्यूचर के नाम पर एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था। और इसमें जो डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम, जिसने बताया कि किस तरह से हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं अपने खान पान में कुछ सुधार करके, साथ ही अपनी जीवन शैली में सुधार करके। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें कि डॉक्टर ने 5 इस तरह के प्रकार बताए कि जिन्हें अपना करके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैंसर से बचाव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हैं। आप देखिए यह खबर, और इसके बाद में आप इन रूल्स को फॉलो ज़रूर करें, हमारी आपसे ये गुजारिश है। और उम्मीद है कि आप ज़रूर इस तरह की जो उम्मीद के अनुरूप जाकर के रूल फॉलो करके कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये आज कैंसर अवेयरनेस डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं, तो ये इसीलिए हम लोगों ने लोगों को अवेयर करने के लिए, जिन लोगों ने हमारे साथ, आप जैसे भाई लोगों ने या एनजीओ ने, पत्रकारों ने सहयोग किया है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, रोज़ जागरूक बनाने के लिए, उन लोगों के धन्यवाद के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। और मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, आप सब लोग आए, और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू आप लोगों के थ्रू ये बात बहुत लोगों तक जाए, जिससे कि समाज का और भला हो और लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता आए। और हम ये मिशन हमेशा जारी रखें, हर साल ऐसे ही जारी रखें। आप और हम मिलकर सहयोग करके लोगों को जितना हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट उतना करें, बस यही मेरा संदेश है। तो सबको नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता और मैं कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आज का आज आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वर्ल्ड कैंसर डे के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेन पर्पज है अवेयरनेस। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो डेकेड से ना शेडोज में रही है। मतलब मैं जिन लोगों के घर पे कैंसर पेशेंट होते हैं, जो जो लोग खुद सफर करते हैं, एक ऐसी चीज़ है, एक टेंडेंसी है कि उस चीज़ को हाइड कर दिया जाता है, जो दुनिया की निगाहों में नहीं आए और लोग अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करते। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अवेयरनेस से ही सॉल्व हो सकती है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि लोगों को इस बीमारी का अवेयरनेस नहीं होता। यदि अवेयरनेस नहीं होगा तो इसका प्रिवेंशन नहीं होगा, और प्रिवेंशन नहीं होगा तो इसका ठीक से इलाज नहीं होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रहे। तो वर्ल्ड कैंसर डे पूरी दुनिया में कैंसर का अवेयरनेस बढ़ाने का एक स्पेशल ओकेजन होता है। तो कैंसर के अवेयरनेस के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन 3 में से 2 कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी उनको बीमारी को होने से रोका जा सकता है विभिन्न तरीकों से। और 3 में से 2 कैंसर यदि हो जाए तो वो क्योरेबल भी है, यानी यदि किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसका 2/3 चांस है कि उसकी बीमारी का जड़ से इलाज हो सकता है। तो ये जो हाई प्रिवेंशन और क्योर रेट है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, रिसर्चेस चल रही है पूरी दुनिया की तरफ से, एफर्ट चल रहा है लास्ट 4 डिकेड से, जिसकी वजह से साइंटिफिक एडवांसमेंट से ये चीज़ें पॉसिबल हुई है। जैसे हम बात करें, यदि हम पुराने ज़माने की बात करें, 30 साल 40 साल पहले हम बात करते थे कि कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी होता है और फिर डेथ हो जाती है। पर आज के ज़माने में सिचुएशन ऐसी है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो होते हैं, टारगेटेड थेरेपी होती है, जो दवाइयाँ होती है, गोलियाँ होती है, जो कैंसर के स्पेसिफिक जेनेटिक जो गड़बड़ी है बॉडी में जाके उस गड़बड़ी को ब्लॉक कर देंगे ताकि कैंसर खत्म हो जाए। इम्यूनोथेरेपी है, जो कि दवाइयाँ होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को चेंज कर देते हैं ताकि वो कैंसर को जाके कर करें। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, तुम किसी 20-30 साल पुराने आदमी को पूछोगे उसको तो लगेगा ये जादू है, इट्स लाइक मैजिक। ओके, पर ये सारे फ्रूट रिसर्च के रिजल्ट है, जो पूरा इंटरनेशनल एफर्ट है, पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मेहनत पे लगे हुए हैं ताकि इंसानियत को ये तोहफा दिया जाए, ये हाई क्योर रेट, हाई प्रिवेंशन रेट इंसानियत को दिए गए। अब जैसे प्रिवेंशन की बात करें तो अब वैक्सीन अवेलेबल है। कोई सोच सकता है कि जैसे मीजल्स की, टाइफाइड की वैक्सीन है, वैसे कैंसर की वैक्सीन हो, जबकि आज की डेट में एक इजीली अवेलेबल सस्ती वैक्सीन है जिसको लगा के कोई भी लड़की अपने सर्वाइकल कैंसर को, जो बच्चे वाले का मुंह का कैंसर, एक समय पर ये इंडिया में लेडीज का नंबर 1 कैंसर होता था जी, और सिंपल एक वैक्सीन लगा के हमारे घर की बहन बेटियां अपने कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट 70-80% कम कर सकती। तो ये सब टेक्नोलॉजी के जो फ्रूट्स हैं, ये वर्ल्ड कैंसर डे का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्रूट्स मिले, लोगों में अवेयरनेस जागे और लोग अग्रेसिवली इस बीमारी को पहचाने। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि वर्ल्ड के हर कैंसर पेशेंट को क्योर मिले। और मुझे लगता है यदि इसी लेवल से टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी तो हम मे बी ओवर नेक्स्ट 10-15 ईयर ये गोल अचीव भी कर सकते। सर बेसिकली क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर हो ही ना, किन कारणों से कैंसर हो रहा है आज के समय में?
तो देखो कैंसर हो ही ना की कॉन्सेप्ट ये है कि आज के दिन जैसे मैंने बताया दो तिहाई कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो दो तिहाई कैंसर है ये वो कैंसर है जिनमें जो कॉजेज है वो वेल डॉक्यूमेंटेड और वेल नोन है। तो कैंसर प्रिवेंशन के लिए यदि हम आदमी की तरफ से पूछे कि उसको क्या करना चाहिए तो पांच चीजें जो एक आम आदमी कर सकता है अपने कैंसर का प्रिवेंशन करने के लिए। नंबर वन आता है टोबैको। तो टोबैको में आता है आपका सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, हुक्का इत्यादि। तो एक तिहाई कैंसर सर तम्बाकू की वजह से होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आदमी कर सकता है वो ये है कि तंबाकू का सेवन ना करे। नंबर टू होता है शराब। तो शराब का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो जहाँ भी बॉडी में शराब लगता है मुंह, गला, पेट, लिवर, इन सब जगहों पे शराब से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आदमी शराब का सेवन या तो ना करे या अल्प से अल्प मात्रा में करे, मतलब कम से कम करे। नंबर तीन होता है वैक्सीनेशन। तो जैसे मैंने बताया दो कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है, एक बच्चेदानी का मुंह का कैंसर उसकी HPV वैक्सीन होती है और एक हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, इससे लिवर कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। रिसर्च इस समय चल रही है, ऑलमोस्ट 10 से 15 कैंसर की वैक्सीन हो सकता है नेक्स्ट 5 से 10 ईयर में आ जाए। तो एक्टिव रिसर्च इस फील्ड में चल रही है। नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग का मतलब है कि किसी भी पेशेंट को यदि कैंसर होने वाला है तो उसको कोई ना कोई टेस्ट करके कैंसर होने से पहले ही प्री कैंसर स्टेज पे बीमारी को पकड़ के उसको ठीक कर दिया जाता है। तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है मैमोग्राफी। तो हम कहते हैं कि जो लेडीज की उम्र 40 से 50 से ऊपर है उनमें हम बोलते हैं उनका साल में एक बार या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। तो यदि कोई अंश होगा जो कैंसर में बन जाएगा कुछ टाइम बाद तो उसको टाइम पे ट्रीट करके उसको बॉडी से काट के निकाल सकते हैं, फिर उस लेडी को कभी कैंसर होगा ही नहीं। तो फोर्थ चीज़ होती है स्क्रीनिंग। और फिफ्थ चीज़ होती है अच्छा रहन सहन। तो अच्छे रहन सहन में इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस्ड चीज़ें, फैक्ट्री में बनी चीज़ें खाने की जो होती है उनको कम से कम सेवन करें, नेचुरल डाइट की तरफ अपना जोर डालें, आर्टिफिशियल चीज़ों पर कम जोर डालें। खासकर जो प्रोसेस्ड नॉनवेज है जैसे सलामी, जैसे बेकन हो गया, हैम हो गया, जो फैक्ट्री में बने मीट्स है इनका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कैंसर से। इनफैक्ट मैं प्रोसेस्ड मीट कभी नहीं खाते, जिनको जो नॉनवेज का सेवन भी करते हैं उनको नेचुरल नॉनवेज टाइप का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा एक गुड बॉडी वेट और डेली एक्सरसाइज कैंसर का रिस्क कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये पांच बेसिक चीज़ें फॉलो करके कोई भी आदमी अपना कैंसर का रिस्क 2/3 कम कर सकता है। और सब आदमियों को, ये सब मेन और फीमेल दोनों को ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद सर आपके पास चल रहा है जहाँ पे उनका क्रोमोसोम्स का कुछ इशू होता है जो इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर्स हो जाते हैं, तो उसको लेके कुछ आप बताइए। एक्चुअली लेट मी जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन कि जो लाइफस्टाइल है ना, एक कॉमन वर्ड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये आपका इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टोबैको, टोबैको इन एनी फॉर्म लाइक